नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल सेगमेंट सरकारी नौकरी में। आप सभी ने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के विषय में तो जरूर सुना होगा और आपके मन में अक्सर ये सवाल आते होंगे कि पीसीएस क्या है, पीसीएस कैसे बने। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है एक सिविल सेवक के रूप में देश की सेवा करने का, जो कि बहुत गर्व की बात है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रिया है। पीसीएस की फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी राजकीय लोक सेवा। देखिए, राज्य पीसीएस परीक्षाएं यूपीएससी परीक्षाओं की तरह ही होती हैं। फर्क केवल इतना है कि ये राज्य स्तर पर होती हैं। राज्य सभी ग्रेड और पदों के प्रशासक और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अपनी पीसीएस परीक्षा आयोजित करते हैं। नोट करें कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग की अपनी वेबसाइट है, जो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और अन्य सभी डिटेल्स प्रदान करती है। ये एग्जाम काफी बड़े स्तर का होता है, क्योंकि इस एग्जाम में लाखों बच्चे हर साल बैठते हैं, जबकि कुछ गिने चुने ही पीसीएस ऑफिसर बन पाते हैं। पीसीएस ऑफिसर के ऊपर राज्य से जुड़ी काफी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए इस एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है। मगर सही तरह से तैयारी की जाए तो आप अपने राज्य के प्रतिष्ठित सेवाओं में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। पीसीएस को राज्य सिविल सेवा नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम हर साल राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम को राज्य के भीतर खाली पदों की नियुक्ति कराने के लिए किया जाता है। जितने भी पद पीसीएस ऑफिसर को नियुक्त किए जाते हैं, वे सभी पद जो है ये राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। तो देखिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को विभिन्न उच्च पदों पर, जैसे एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आदि पदों पर नियुक्ति प्राप्त होती है। अब नजर डाल लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। आयु सीमा पर नजर डालें तो देखिए, जो मिनिमम एज है वो होती है 21 वर्ष, और मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरली स्टेट्स में 40 तक की एज रखी गई है, और ये स्टेट वाइज देखिए वेरी भी करता है, जो अधिकतम एज में छूट दी जाती है आरक्षित वर्गों को। तो ये देखिए सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार होती है। इसके बाद बात कर ले कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 चरणों को पार करना होता है। देखिए, सबसे पहला तो प्रीलिम्स है, उसके बाद है मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, ज्यादातर राज्यों में देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर एमसीक्यू नेचर के होते हैं। वहीं कुछ राज्य जैसे बिहार है, राजस्थान है, ये केवल एक ही पेपर कराते हैं। याद रहे कि पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपके कम से कम 33% अंक आने चाहिए। ध्यान दें कि झारखंड पीसीएस में पेपर 2 के अंक भी फाइनल स्कोर में जोड़े जाते हैं। अब चलिए मैं बता दूं कि पेपर 1 क्या है। तो ये है सामान्य अध्ययन 1। ये कुल 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे 100 प्रश्न से लेकर 150 सवाल तक पूछे जाते हैं, और 2 घंटे की समय सीमा होती है। विषय पर नजर डालें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इसके बाद होता है भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, तीसरा सब्जेक्ट रहता है भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसके बाद है सामान्य विज्ञान, और ऐसे ही अन्य विषय भी होते हैं। डिटेल सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाता है। इसके बाद देखिए है पेपर 2 सामान्य अध्ययन। तो ये कुल 200 मार्क्स का होता है। इसमें अधिकतम देखिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 घंटे की समय सीमा होती है। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, और ये दोनों कक्षा 10वीं लेवल तक होते हैं, और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब नोट करने की बात ये है कि झारखंड राज्य में पेपर 2 जो है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है। अब मेंस एग्जाम पे आऊं तो देखिए इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें होता है आपका सिलेबस जनरल हिंदी, एसे राइटिंग, जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहते हैं। और नोट करें कि बिहार में देखिए सिर्फ GS 1 और GS 2 ही होता है। इस एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की समय सीमा लगभग 3 घंटे की होती है, और इसमें 200 अंक प्रति पेपर के अनुसार 2 पेपर होते हैं।
अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सूची देखिए, आपको राज्य की पीसीएस वेबसाइट पर ही मिल जाती है। लेकिन एक बात और नोट कर ले कि झारखंड पीसीएस में कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। अब मैं आ जाती हूँ इंटरव्यू पे। तो आखिरी चरण यानी कि इंटरव्यू, ये प्रक्रिया सभी स्टेट पीसीएस का अंतिम चरण होती है। इंटरव्यू में किसी भी विषय पर आपके विचार, विपरीत स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, और साथ ही आप कितनी सामान्य जागरूकता रखते हैं ये भी टेस्ट की जाती है, और आपका व्यक्तित्व कैसा है आदि, इनके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप पीसीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि पीसीएस में आने का कारण आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे। आप कितने निडर होकर अपनी बात रख पाते हैं ये मायने रखता है, और ध्यान दें कि जवाब सटीक और स्पष्ट ही दें। अब चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सातवें वेतन आयोग के साथ देखिए, एक पीसीएस अधिकारी को 56,100 रुपए से 224,100 रुपए प्रतिमाह रुपए के बीच वेतन प्राप्त होता है। ये पे लेवल के साथ देखिए बढ़ता रहता है। साथ में आपको रहने के लिए घर, सरकारी वाहन और ऐसी ही कई सुविधाएं भी मिलती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि समाज में काफी इज्जत मिलती है, जो किसी के लिए भी पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाता है, और वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि पीसीएस नौकरी भारत में सबसे आकर्षक और प्रतिष्ठित करियर विकल्पों में से एक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस अवसर के बारे में जाने और इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।